सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं हूं आरजे शाजी रेड एफएम से, एंड मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूं कि आपके साथ मैं यहां पर अभी इस जूम इंटरव्यू में जुड़ा हूं, बिकॉज मेरे साथ जो है वो है श्वेत अभ्यंकर, एंड ही इज अ म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, वर्किंग इन वेरियस फील्ड्स, कंपोज्ड म्यूजिक फॉर 8 मराठी फिल्म्स, राइट? ऑलमोस्ट 8, राइट राइट. And इसके अलावा 3 web series and many brand jingles. Engineer भी है, education engineering में किया है, लेकिन music composer by profession. और all about music में भी आपने जबरदस्त हल्ला मचा के आए हो एकदम से. तो मैं सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, like हम musical journey से शुरुआत करेंगे. ये इतना सारा talent बनने का सफर, talented बनने का सफर कैसे शुरू हुआ, और इस पूरे सफर में आपने कितना सफर किया म्यूजिकल जर्नी? वैसे मैं जब कॉलेज में था तब कॉलेजेस में बहुत सारे कॉम्पिटिशन रहते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन रहती है, ड्रामा के कॉम्पिटिशन रहते हैं, तो मैं कॉलेज के साइड से पार्टिसिपेट करता था. और तभी मुझे मतलब बचपन से म्यूजिक की पसंद में मैं कुछ ना कुछ स्टडी कर रहा हूँ म्यूजिक से, तो उधर कुछ अवार्ड्स मिले और एक अच्छा ब्रेक मिला कि मैं एक रेडियो शो था उसमें म्यूजिक कंपोजिशन का कंपटीशन था, तो वो मैं जीत गया और वहां पे मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला. मेरा दूरदर्शन जो अपना चैनल है उधर भी मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उधर से मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं म्यूजिक कंपोजिशन में ही काम करूंगा. अरे क्या बात है. अच्छा, प्रोफेशनल म्यूजिशियन हो आप यार, पर इंजीनियरिंग भी की हुई है, लाइक ये जो इंजीनियरिंग है ये प्रेशर में आगे की है, बैकअप प्लान मुझे ऐसा लग रहा है आपका इंजीनियरिंग है बेसिकली. हाँ, मेरा बैकअप प्लान ही था वो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मैं करूंगा अच्छे से या नहीं करूंगा. ऑलराइट. अच्छा, अभी एक सवाल एक और है, लेकिन वो थोड़ा लंबा है. लाइक जिंगल भी आपने बनाया, मूवीज में ऑलरेडी आप बहुत अच्छा म्यूजिक दे रहे हो, प्लस आपके खुद के इंडी सॉन्ग्स भी आप रिलीज करते हो, तो तीनों चीजों में कॉम्पोजिशन और म्यूजिक देना कितना डिफरेंट होता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा. अभी कैसा है कि जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक हम बना रहे हैं तब पूरा थॉट हमारा है, पूरा सॉन्ग का स्ट्रक्चर जो भी चाहिए, जो हम उसके साथ खेल सकते हैं, जो माइंड हम हमारा बोल रहा है वो हम उसके साथ कुछ भी खेल सकते हैं. लेकिन जब हम ब्रांड जिंगल्स और कोई मूवी के लिए काम करते हैं तब जो स्क्रिप्ट में लिखा है, जो डायरेक्टर ने बोला है, उस हिसाब से हम लोगों को गाना भी मोल्ड करना पड़ता है और कंपोज भी करना पड़ता है. और ब्रांड जिंगल तो ऐसा है कि 1 मिनट में 45 सेकंड्स में आपको कमाल करके दिखाना है, और 45 सेकंड्स में जो भी आप ट्यून बना रहे हो वो कैची होनी चाहिए और हर एक लिसनर को इजी से समझ में आना चाहिए. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक अबाउट होल ऑफ ऑल अबाउट म्यूजिक? मैंने पिछले साल भी पार्टिसिपेट किया था और पिछले साल मेरा एक ही गाना सिलेक्ट हुआ था, तो उधर जो भी मुझे रिव्यूज मिले उस पे मैंने काम किया और इस साल मैंने एंट्रीज डाली, तो मैं तीनों ही कैटेगरीज में शॉर्टलिस्ट हो गया. और मेन तो कंपोजिशन ही है. आजकल बहुत सारे गाने ऐसे रहते हैं कि अरेंजमेंट बहुत रहता है और कंपोजिशन कम रहता है, ऐसे उन्होंने ही बोला, तो वैसा नहीं होना चाहिए. कंपोजिशन मेन चीज है और उसके अरेंजमेंट जो है वो सपोर्ट ही होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन लोगों ने मुझे बताई. सर, इंडिया आर्टिस्ट को जब बात करता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पुराने आर्टिस्ट को भी सुनते हैं, ये सच में सुनते हो आप लोग या सिर्फ इसलिए बताते हो कि नहीं क्योंकि चलो वो महान थे तो उन्हें सुनते, क्योंकि अभी जिस तरह का म्यूजिक है ना, मुझे ना वो बहुत कम दिखाई देता है कि पुराने आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस होके कुछ नए आर्टिस्ट अपना कुछ डाल रहे हैं उसके अंदर. देखो, एक सिंपल सी बात है, पुराने जमाने में अरेंजमेंट और ये सब जो अभी हम कंपोज करते हैं कंप्यूटर पे, ये नहीं था. जो काम करता था वो सिर्फ कंपोजिशन काम करता था, जो ट्यून है वही काम करता था, और अगर ट्यून में दम नहीं है तो कुछ भी नहीं काम करेगा. तो ये स्टडी करने के लिए हम लोगों को पुराने कंपोजिशन ही स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे अरेंजमेंट और ये सब सिंथेसाइजर्स और ये गिटार्स और ये ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं था, सिर्फ कंपोजिशन ही काम करता था. तो ये जरूरी बात है और मैं स्टडी करने की कोशिश करता हूँ. क्या बात है यार, लवली लवली, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. तो ये दोनों गाने हम मतलब कह सकते हैं मच अवेटेड सॉन्ग है जो आप बहुत जल्दी रिलीज करोगे लेबल्स के अंडर, राइट? हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमें आउना और ओरिपिया थोड़ा थोड़ा सा चंग सुना सको अपनी आवाज में भी.
मान लो आज भी दिल ना झूठा है, पिया का मन सावरे, पिया का मन बावरे, पिया का मन सावरे, पिया का मन बावरे, मोरे पिया रे पिया रे पिया न लागे मोरा जिया, ओरे पिया रे पिया रे पिया न लागे मोरा जिया। क्या बात, ब्यूटीफुल। एंड नाउ आओ ना, यस, पल दो पल बैठो ना, बातों को रोको ना, सालों से जो कहना था तुम्हें यादों में भी भरना था तुम्हें, वक्त ये मिले ना मिले, करने दो ये सारे सिलसिले, आओ ना रोको ना टोको ना, करनी है दो बातें नहीं, यादों की सौगातें नहीं, जोड़दाओ फासला, जोड़दाओ रास्ता, आओ ना बोलो ना। थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये खास तौर से इंडी म्यूजिक को देख के हमने रेड इंडीज शफल, जो हमारा शो चलता है, उसके लिए हमने खास तौर से शुरुआत किया है, और ये 36 शहरों में चलता है, और पॉसिबली हम आपके दोनों गाने शायद वहीं पर ही प्रीमियर भी करने वाले। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, आप क्या कहोगे इनके बारे में? बहुत बहुत अच्छा आपने ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि रेडियो जब चलता है, तब जब गाना चलता है, तब हर एक सिटी में लाखों लोग वो गाना सुन रहे थे, और लाखों लोग अगर गाना सुनते हैं तो हम लोगों को ऑफकोर्स का फायदा रहता है, क्योंकि हर एक बंदा अपने प्लेलिस्ट में जाकर हमारा गाना सुने, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन रेडियो रेडियो पे गाना हर कोई सुनता है। आज भी रेडियो चलता है, आज भी ट्रैफिक में हम रहते हैं तो अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो ये रेड एफएम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुहेद, हमसे बातचीत करने के लिए, एंड आपका म्यूजिकल सफर चल रहा है, मैं दुआ करूंगा, एंड वी विश फ्रॉम आवर साइड रेड एफएम की तरफ से, रेड इंडीज की तरफ से, कि वो यूं ही खूबसूरत सफर चलता रहे, और बहुत जल्द जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपने हमारे साथ भी डिस्कस की, वो पूरी हो जाएं। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर आवना एंड ओरे पिया आल्सो। थैंक यू सो मच। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।